नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 30 मई और इस समय की आपको शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आज की। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर टेस्ट नोट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती वर्ष 21-22 के पदों हेतु दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को जारी विचारी सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में अपात्र पाए जाने के कारण 7 मई 2024 को जारी अतिरिक्त विचारी सूची में सम्मिलित 82 जिसमें कि 77 नॉन टीएसपी के और 5 टीएसपी अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 20 मई और 21 मई को संपादित की गई थी। काउंसलिंग के दौरान निम्न रोल नंबर वाले जो है अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, तो ये अनुपस्थित अभ्यर्थियों के रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप वीडियो के स्क्रीन में। टोटल ये उपयुक्त अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश किया गया है कि आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.go.in से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में काउंसलिंग लेटर, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, विस्तृत आवेदन पत्र हेतु ऑनलाइन शुल्क की रसीद सहित आवेदन पत्र की समस्त पृष्ठियां पूर्ण करके संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल निवास और अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां 1 प्रति में संलग्न करके मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 4 जून को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित हो गए। यानी इनको आरपीएससी की ओर से एक अंतिम अवसर दिया है 4 जून को प्रातः 9:30 बजे से इन अभ्यर्थियों को जो अनुपस्थित रहे थे हॉस्पिटल केयरटेकर भर्ती से संबंधित। ये अपडेट आप देख सकते हैं। तो ये पहली खबर आरपीएससी से संबंधित। अगली खबर यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञप्ति। यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 9/2024 क्रमांक 2524 जो कि दिनांक 11 मार्च 2024 के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति तालिका में सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का नाम दिया जैसे कि कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जिसकी परीक्षा दिनांक 27 जून 2024 रहेगी। परीक्षा का समय आप देख सकते हैं 10 से 12 बजे तक। और कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 29 जून को जिसकी एग्जाम होगी यहाँ देख सकते हैं। और जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 30 जून को जिसकी एग्जाम होगी। तो यहाँ पर परीक्षा के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सूचित किया गया है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो परीक्षा का प्रकार यहाँ पर सीबीटी कम ओमआर होगा, अर्थात प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर दिखाई देगा और उत्तर के चयन हेतु ऑफलाइन ओएमआर शीट का उपयोग किया जाएगा। तो उससे संबंधित यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित इस जो है इस भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के देख सकते हैं। और ये 1/3 अंक नेगेटिव से संबंधित 10 मिनट का जो समय अतिरिक्त दिया जाएगा उससे संबंधित अपडेट, ड्रेस कोड प्रोविजनल यहाँ पर प्रवेश पत्र से संबंधित इत्यादि अपडेट यहाँ पर दी हुई है। अगली खबर साथियों, आज रीट भर्ती 2022 से संबंधित एक बड़ी अपडेट। अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट मामले में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला जो है सुरक्षित रखा गया था जिसका फैसला कल दिनांक 31 मई 2024 को सुनाया जाएगा। लेवल फर्स्ट से संबंधित जो कोर्ट में केस चल रहा है फैसले के बाद लेवल फर्स्ट के मूल रिक्त पदों पर परिणाम, वेटिंग लिस्ट और शेष नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो कल लेवल फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहां पर पटवारी भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी के रिक्त पदों पर भी भर्ती समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी के अंतर्गत की जाएगी। तो आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ पर पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीटी के माध्यम से ही की जाएगी। और राजस्व मंडल अजमेर ने देख सकते हैं बड़ी अपडेट है 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु जो है अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी हुई है और साथियों जो संबंधित जिले हैं उनसे रिक्त पदों की सूचना भी चाही गई है। इसके अलावा
आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट है पटवारी भर्ती को लेकर के। और अगली बड़ी खबर यहाँ पर, संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर कार्यालय आदेश, संबंधित पीओ अथवा संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पर ऑनलाइन वेतन व्यवस्था, ये गए प्रस्ताव अनुसार वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक और समकक्ष का वेतन इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध यानी पद भरे जाने तक और आगामी आदेशों तक अथवा मूल विद्यालय में पद आवंटित होने तक यानी वेतन व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। ये लिस्ट जारी हुई है अजमेर संभाग से संबंधित, कार्मिक का नाम, पद नाम, वर्तमान कार्यरत स्थान और महा कब से वेतन बकाया और जहां से वेतन आयन किया जाना है और पदनाम जिसके रिक्त पद के विरुद्ध जहां से वेतन उठाया जाना है। तो वेतन आयन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर अजमेर संभाग संबंधित कार्मिकों के लिए, 20 कार्मिकों की लिस्ट जारी हुई है। और अगली खबर है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर प्रेस नोट, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2024 के परीक्षा परिणाम दिनांक आज यानी 30 मई को जारी हो चुके हैं। अब कितना रिजल्ट रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, कक्षा 5 में ये देख सकते हैं इतने विद्यार्थी जो है सम्मिलित हुए थे और इतने यहाँ पर परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी टोटल परीक्षा परिणाम 97.06% रहा है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा राजकीय विद्यालय परीक्षा परिणाम, निजी विद्यालय परीक्षा परिणाम पूरी अपडेट इसमें दी हुई है और ये कक्षा 8 का लेखा जोखा आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षार्थी जो सम्मिलित हुए और जो पास हुए और टोटल जो परिणाम है वो 95.72% रहा है। तो साथियों ये थी इस समय की बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।